अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरे घर में जैसे बनती है। मैंने सोचा चलो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैंने ये 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। इस बेसन में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून को मैंने इकट्ठा ही जो है वो ग्राइंड कर लिया था। और इसमें अजवाइन जाएगी 1/2 टीस्पून, नमक, जिंजर पाउडर है ये मेरा, अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 मसाला 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। सारे स्पाइस मैंने इसमें शामिल कर लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और लेमन जूस 1 टेबलस्पून। और थोड़े थोड़े पानी से, इसका बहुत पतला भी बैटर नहीं तैयार करना। और ये थोड़ा थिक भी ना हो, बस जैसे एक नॉर्मल सा होता है। ये मेरे पास 2 मीडियम पोटैटोस हैं, आलू ये 2 जो है ना, मैंने आलू इसको मैंने ये चिप्स बना लिए इसके। अब मैं ये बैटर मेरा इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से आप देखें ना, ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो अब हम इसको फ्राई करना बताएंगे। फ्राई करना स्टार्ट कर दिए, पहले मैंने लो हीट में रखा है और अब इसको थोड़ी सी हाई हीट पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। रेडी हो गए हैं ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इसको बनाएं, ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।